आर्ट ऑफ सेइंग नो। तो यार, एज एन इंडियन हमें किसी चीज़ को ना कहना, किसी इंसान को मना करना थोड़ा रूड, थोड़ा बैड मैनर सा फील करता है। बट इसी वजह से हम कई बार न जाने अनजान से स्ट्रगल में फंस जाते हैं, जो चीज़ हमारे लिए एक्चुअल में वैल्यूबल नहीं होती, जिस चीज़ से हमारे लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं होती, उस चीज़ को हम हमारा जो इम्पोर्टेंट टाइम है दे देते हैं। और इसी की वजह से कई बार जो हमारा इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो पीछे छूट जाता है। जस्ट इमेजिन करो, जब आपका फ्रेंड आपको कहीं बाहर से घूम के आने के लिए कहता है, आप जस्ट उसे बुरा ना लगे इसीलिए उसके साथ चले जाते हो, और एट अदर एंड जो भी आपकी स्टडीज़ थी, जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम था, जो भी आपका खुद के लिए जो भी आपने डिसाइड किया था, वो पीछे छूट जाता है। ये रियलिटी है, इसे समझो और खुद के लिए बोलना सीखो। अगर आपका काम इम्पोर्टेंट है, देन सिंपली से हिम कि यार मेरा काम होने के बाद हम जाएंगे। तो अपने खुद के लिए स्टैंड होना सीखो, आपके खुद का वर्क पहले फिनिश करो, उसके बाद बाकी लोगों को प्लीज करो। उसके पहले जस्ट सिंपली से नो टू देम। द सेकेंड पॉइंट, यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम अक्सर इस चीज़ को कैजुअली ले लेते हैं, और इसी वजह से न जाने कोई भी आपका मजाक उड़ाने लग जाता है, आपको कुछ अनोइंग सा बोलने लग जाता है, जस्ट बिकॉज आपने उस टाइम पर उस इंसान को मना किया नहीं था। इसी वजह से अब आपको थोड़ा डिमोटिवेट फील होगा, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम होगी, क्योंकि सामने वाले के इंटेंशंस गुड नहीं है। आपको हमेशा फील होगा कि सामने वाला जो भी इंसान है वो आपकी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए कुछ बोल रहा है और जस्ट आपको नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है। अगर सिचुएशन नंबर टू है, अगर कोई आपको बुरे इंटेंशन से कुछ बोल रहा है, देन ब्रो यू हैव टू से समथिंग टू देम और जस्ट लीव देम। आपको एक चूज करना पड़ेगा। अगर आप Thank you.